आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ संभव है। खुद पर अगर भरोसा हो तो आप हर मुश्किल से निकल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो, नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है। ज़िंदगी में एक बात का ध्यान रखना, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है, जो किसी भी समय बंद हो सकता है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती है। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना नहीं चाहते वे बहाना खोज लेते हैं। जो मेहनत नहीं करता बहाने बनाता है, उसका आने वाला समय उसका खिलौना बना देता है। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रखना, जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने का मतलब वह नहीं जानता जिसने हार देखी हो। अगर आपको लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं अपने प्रयासों को बदलो। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हो तो खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका यही है, उन लोगों के साथ रहना जो पहले से उस रास्ते पर है जिस पर आप जाना चाहते हैं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार चमकता है, इच्छा अनुसार नहीं।